खबर करते हैं नशे में उड़ता जयपुर। दरअसल औषधि नियंत्रक संगठन की नाक तले नशे का गोरख धंधा चल रहा है। पंजाब पुलिस की नारकोटिक्स टीम ने जयपुर में कार्रवाई की है। मुरलीपुरा में शिवनाथ एजेंसी पर कल दबिश दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक करीब 800 कार्टन कोडीन फॉस्फेट सीज की गई है। मुरलीपुरा पुलिस ने पंजाब टीम ड्रग्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई की पुष्टि की है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके भी पंजाब ले जाया गया है, लेकिन औषधि नियंत्रक और एडीसी दिनेश तनेजा कार्रवाई से अनजान रहे। दोनों अधिकारियों का बयान है, हमारी कोई भी टीम कार्रवाई करने नहीं गई। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जब औषधि नियंत्रक विभाग का कोई इंस्पेक्टर नहीं गया, तो फिर पंजाब की टीम के साथ कौन से इंस्पेक्टर ने मौके पर कार्रवाई की है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई अंतर्राज्यीय कार्रवाई इस तरीके की होती है, तो बाकायदा जिस इलाके के अंदर, जिस जिले के अंदर या फिर जिस शहर के अंदर ऐसी कार्रवाई की जाती है, वहां बाकायदा संबंधित थाने को इत्तला की जाती है और उसकी सिक्योरिटी के साथ ही ऐसी कार्रवाई की जाती है। ऐसे में अगर जानकारी बाकायदा नहीं और उसके बावजूद कार्रवाई हुई, ये जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उसको पंजाब भी ले जाया गया और जो सामान सीज किया गया है वो कम सामान नहीं है, करीब 800 कार्टन कोडीन फॉस्फेट है जिसको सीज किया गया है और पंजाब पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुरलीपुरा पुलिस ने पंजाब टीम और ड्रग्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई की पुष्टि की है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके पंजाब ले जाने की बात भी कही। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल यह है कि औषधि नियंत्रक और एडीसी दिनेश तनेजा कार्रवाई से अनजान है। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुका है। विकास, अमूमन हम देखते हैं कि जब ऐसी कार्रवाई होती है तो संबंधित विभाग या संबंधित थाने को उसकी इत्तला होती है और वो साथ में कार्रवाई के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां तो औषधि नियंत्रक और खुद एडीसी दिनेश तनेजा ही कार्रवाई से अनजान, तो फिर ये कार्रवाई हुई कैसे? देखिए, बहुत ही कह सकते हैं ये जो कार्रवाई है, आज की कार्रवाई नहीं है, 24 घंटे राजधानी जयपुर के अंदर 24 घंटे से लगातार ये कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई के अंदर नशे का कारोबार करने वालों पर बड़ा शिकंजा कसा गया और वो भी शिकंजा किसने कसा है, वो शिकंजा कसा है पंजाब की नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम ने। राजस्थान के सरकारी तंत्र को इस बात की भनक तक नहीं लगी और पंजाब से टीम आई जयपुर में और जयपुर में आकर के यहाँ पर 24 घंटे तक लगातार काम कर रही है और यहाँ उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार तक किया, उसके साथ ही 800 कार्टन जो प्रोटीन फास्फेट है उसको चीज किया है। इसकी कीमत जो बताई जा रही है 200 ml की बोतल के अंदर ये प्रोटीन मिली है, जिसकी कीमत एक बोतल की 132 रुपए के हिसाब से तकरीबन 1 करोड़ रुपए लागत की ये पूरी जो खेप है, नशे की खेप है, इसको पकड़ा है। उसके बावजूद जो ड्रग डिपार्टमेंट, जिसकी मूलतः कह सकते हैं प्रारंभिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है ड्रग डिपार्टमेंट की, वो पूरा ड्रग डिपार्टमेंट ही इस पूरी कार्रवाई से बेखबर है। आप देख सकते हैं कि ड्रग कंट्रोलर जो है राजाराम शर्मा है और एडीसी है दिनेश तनेजा, जिनके निर्देशन में टीम वहां पहुंची है, पहुंचने के बाद में वहां कार्रवाई की गई है, वो दोनों ही अधिकारी पूरी कार्रवाई से अंजाम ये तक पता नहीं है कि ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई जयपुर के अंदर हुई है और यहां तक उन्होंने कह दिया कि ये जो कार्रवाई है ये बिल्कुल भ्रामक उद्धार है। जबकि मुरलीपुरा थाना पुलिस से बात की तो उन्होंने पूरी कार्रवाई से स्वीकार किया, साथ में जब पंजाब से जो टीम आई है उनसे भी हमारी बात हुई है और वो बड़े आश्चर्य है इस बात को लेकर के कि इतना बड़ा कारोबार जो है राजधानी जयपुर के अंदर चल रहा था और उसकी कार्रवाई हुई है और उसकी मीडिया को सूचना तक नहीं दी गई, क्योंकि इस तरह के मामलों में मीडिया को सूचना दी जानी चाहिए ताकि जो लोग है वो अवेयर हो और जो इस तरह के अवैध कारोबार में जो लिप्त है उन लोगों पर शिकंजा कसी जाती है, उनमें भय का माहौल हो, इसके लिए मीडिया को सूचना दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ से एक और सवाल खड़ा होता है, सवाल यहाँ से ये खड़ा होता है कि क्या पंजाब के नारकोटिक्स विभाग को जयपुर में औषधि नियंत्रक विभाग पर भरोसा नहीं था? क्या उनको लग रहा था कि अगर इनके साथ कार्रवाई को साझा किया जाएगा तो जिस कार्रवाई को अंजाम देना चाहते हैं वहां दिक्कत आएगी? देखिए, जो औषधि नियंत्रक संगठन है उनकी टीम के मेंबर भी इस कार्रवाई में उनके साथ थे। आश्चर्यजनक बात यही है कि वो टीम में साथ थे, एक इंस्पेक्टर एडीसी, एक डीसीओ लेवल का इंस्पेक्टर जो है उनके साथ था, लेकिन जो मुख्यालय में बैठे अधिकारी है, जो बड़े अधिकारी है, उनको इसकी पता ही नहीं खबर का जी ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई जो है जयपुर में हुई है। इसका मतलब ये कि विभाग के अधिकारी जो है फील्ड में जो कार्रवाई हो रही है, फील्ड के अंदर जो एक्शन हो रहा है उसको लेकर पूरी तरह बेखबर है और यही वो नतीजा था कि जब हमने बात की ड्रग कंट्रोलर से, एडीसी से, जिनके इलाके के अंदर कार्रवाई की गई है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि विकास, क्या परमिशन की जरूरत नहीं होती है? बड़े अधिकारियों के साथ सामंजस्य ही नहीं है? देखिए, इसको ये कह सकते हैं, या तो ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो अपनी खाल बचाने के लिए इस पूरी कार्रवाई को छुपाने में लगे हुए थे,
कि अभी पंजाब से एक टीम आती है जयपुर में कार्रवाई करती है और इतना बड़ा जखीरा नकली उसका जो है जो ओडिन है नशे के कारोबार से जुड़ी हुई जो दवा है उसका इतना बड़ा जखीरा जो बरामद किया जाता है तो उसको उनको लग रहा था कि कहीं इससे हमारी जो खुद की साख है वो खराब नहीं हो, इसलिए मीडिया को सूचना नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर, और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि औषधि नियंत्रक के बड़े अधिकारियों को पता ही नहीं कितनी बड़ी कार्रवाई उनकी नाके नीचे पंजाब पुलिस कर चली गई, पंजाब नारकोटिक्स विभाग कर चला गया।